मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन अर्घ्य देते हुए क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और किन चीजों को करना चाहिए, इस पर हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। देखो, सूर्य को अर्घ्य देना तो वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा मानते हैं। कहते हैं कि सूर्य देव को आप अर्घ्य देते हो तो आप निरोगी रहते हो, आपको बीमारियां नहीं आती। लेकिन संक्रांति के दिन जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, उस दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बहुत विशेष महत्व है। कैसे देना चाहिए उसका ये है कि देखिए, सूर्य की जो धातु है तांबा, तो अगर हम तांबे के पात्र से जल देते हैं और अपनी राशि के अनुसार, अगर आपको थोड़ी सी भी अपनी राशि की जानकारी है उसके अनुसार उसमें जो तत्व मिला सकते हैं, जैसे अगर आपकी सिंह राशि है तो आप थोड़ा सा रोली डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, तो अगर आपकी राशि वृष है तो आप चावल डाल सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई भी चीज मिलाइए। आप प्लेन वाटर से भी भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं और इस दिन सूर्य आराधना का बहुत विशेष महत्व है। सूर्य को जल देने का भी एक तरीका है कि हमेशा हमें ऐसे अपने ऊपर से जल देना होता है, जिससे कि उसकी जो धारा है, जल धारा, सूर्य की रोशनी किरणें उसमें से छन के हमारे शरीर पर पड़े। तो अगर हम विधि विधान से सही तरीके से जल देते हैं तभी हमें उसका रिजल्ट मिलता है। नहीं तो लोग कहते हैं हम इतने सालों से जल दे रहे हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं देते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप ये ध्यान रखिए कि आप कभी चौराहे पे या सड़क पे जहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक का आना जाना है वहां पर आप नहीं दीजिए, क्योंकि पैर नहीं पड़ना चाहिए या उस जल को लांघा नहीं जाना चाहिए। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग जल देते हैं और उसका जल तुलसी के गमले में गिरता है, ये भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं मानते हैं। कभी भी सूर्य देव को चढ़ाया हुआ जो जल है वो तुलसी के गमले में नहीं गिरना चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप बालकनी में एक खाली गमला रखिए, उसमें आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे नियम का पालन करेंगे तभी सूर्य देव की प्रसन्नता मिल सकती है।